करेंगे, असेस करने के काफी रूल्स होते हैं, ठीक है। असेसमेंट ऑफ बर्न एरिया, बर्न एरिया को क्या करेंगे, हम असेस करेंगे। बर्न एरिया को असेस करने के काफी रूल्स होते हैं हमारे, जैसे रूल ऑफ नाइन, ठीक है, रूल ऑफ नाइन है, रूल ऑफ फाइव है हमारा, ठीक है, रूल ऑफ नाइन हो गया, रूल ऑफ फाइव हो गया, या हमारा क्या हो गया, पाम मेथड हो गया। पाम को भी हम यूज करते हैं ना, ठीक है, तो रूल ऑफ नाइन है, रूल ऑफ फाइव है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा रूल ऑफ फाइव को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रूल ऑफ फाइव को, ठीक है। रूल ऑफ फाइव होता है वो क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। रूल ऑफ फाइव के अंदर क्या करेंगे, हम तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। तीन कैटेगरी क्या होगी हमारी, एक तो होगा पांच साल तक का बच्चा, एक होगा पांच से दस साल तक का बच्चा, ठीक है, एक होगा दस से पंद्रह साल तक का बच्चा, उनके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे हेड एंड नेक, हेड एंड नेक, पहले हम हेड एरिया को देखेंगे, नेक को देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, हम चेस्ट को देखेंगे, ठीक है, चेस्ट को देखेंगे। चेस्ट में क्या देखेंगे, एंटीरियर मतलब चेस्ट के आगे का साइड एरिया कितना इन्वॉल्व हुआ है, पोस्टीरियर का मतलब उसके पीछे का साइड का एरिया है वो कितना इन्वॉल्व हुआ है। उसके बाद क्या देखेंगे हम, थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, चेस्ट पोस्टीरियर, उसके बाद क्या होगा हमारा, लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैर वाला एरिया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, और अपर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज है, लोअर एक्सट्रीमिटीज है, ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, चेस्ट वाला एरिया है हमारा, हेड और नेक वाला एरिया है। उसके बाद मैं इनकी क्या बताऊंगी आपको, परसेंटेज बताऊंगी, कि बहुत गर्मी है, परसेंटेज बताऊंगी मैं आपको कि किस एरिया की कितनी परसेंटेज होगी। अगर मैं आपको बताऊं कि जो ये वाला पांच से दस साल के एरिया जो बच्चे होते हैं, सॉरी दिमाग ही कंफ्यूज हो गया, ये थे हमारे एरियाज, ठीक है, ये है हमारा जीरो से पांच साल, पांच से दस साल, और दस से पंद्रह साल, ठीक है। सबसे पहले करते हैं हम जीरो से पांच, जीरो से पांच वाले बच्चे क्या होते हैं, उनके अंदर कोई भी एरिया बर्न हो जाए, स्किन का, हेड नेक, कुछ भी एरिया बर्न हो जाए, सभी हमारे क्या होंगे, 20% होंगे। आगे जल जाए, पिछवाड़ा जल जाए, ठीक है, हाथ जल जाए, पैर जल जाए, सारे एरिया क्या होंगे हमारे, 20% एरिया के अंदर इंक्लूड होंगे। पांच से दस साल के एरिया के अंदर हम देखेंगे पहला जो हमारा हेड और नेक वाले एरिया को हमने कितना माना है, हेड और नेक वाले एरिया को माना है हमने 15%, ठीक है, चेस्ट के एंटीरियर साइड को हमने 20%, पोस्टीरियर साइड को भी हमने 20%, लोअर एक्सट्रीमिटीज को हमने कितना माना है, ठीक है, अपर, सॉरी लोअर एक्सट्रीमिटीज को, ठीक है, ऊपर नीचे कर लो इनको थोड़ा, वरना सारा रख करना पड़ेगा। पहले हमारा अपर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, फिर है हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। तो जो हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज है उसको भी हमने कितना माना है, 20 माना है। जो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज है, लोअर एक्सट्रीमिटीज को हमने कितना माना है, 30% की। अगर पर्सन के पैर जल गए हैं तो मान लो उसके बॉडी का 30% एरिया है वो क्या हो गया है, बर्न हो गया है। अगर मान लो 10 से 15 साल का बच्चा है, हेड वाले एरिया में लगा लो, ये हमारा 10%, 20%, 20%, 20%। अगर मान लो हम लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो उनकी लोअर एक्सट्रीमिटीज को कितना मानेंगे हम, 30%। ये था हमारा रूल ऑफ फाइव, इसको क्या बोलते हैं हम, रूल ऑफ फाइव बोलते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि मोस्ट कॉमनली छोटे बच्चों में यूज होता है रूल ऑफ फाइव। उसके बाद करेंगे हम रूल ऑफ नाइन, ठीक है, रूल ऑफ फाइव हमारा हो गया है, उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम रूल ऑफ नाइन। उसके बाद क्या डिस्कस करते हैं हम,